Guys, welcome to all of you. In today's video, I am going to give you the EPFO exam analysis. So, in this paper, this is the section C and total marks 300 ke paper tha. So, let's see what is the options that are correct. So, please be with me at the end of this video, okay? I will tell you each and every answers of each section. So, be with me at the end of this, okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला इंग्लिश का सेक्शन है. तो एंटोनिम्स में जो यहाँ पे पूछा गया है, अपोजिट इन मीनिंग, जो भी अपोजिट होंगे इस मीनिंग के, जो अंडरलाइन वर्ड है इसके अपोजिट में जो भी इसका वर्ड होगा वो हमें यहाँ बताना है. तो शी ऑलवेज ऑर्गेनाइज लैविश पार्टीज़ ऑन बर्थडे, यानी वो हमेशा अपने बर्थडे पर कैसी पार्टी, एक बहुत शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी, है ना, बहुत ही ज़्यादा खर्चीले पैसे वाली पार्टीज़. तो इसका सही आंसर होगा नंबर ए, सेक्शन फ्रूगल. फ्रूगल इज़ द राइट आंसर. एंड सेकेंड हमारा है, द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैलियर. इसका सही आंसर होगा बी, कोवर्डिस. ओके, बहुत बहादुर था. इसका जो अपोजिट होगा वो कोवर्डिस होगा. एंड थर्ड होगा हमारा फर्टाइल. फर्टाइल का मतलब होता है बंजर भूमि, ठीक है. तो उसकी मतलब फर्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ, सॉरी, और बैरन मतलब उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, बहुत ही बंजर, ठीक है. ये हो गया इमिग्रांट्स. इमिग्रांट्स का जो उल्टा होता है वो नेटिव होता है, ठीक है ना. तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा. द क्वेश्चन वर सो एलिमेंट्री. एलिमेंट्री का हो जाएगा एडवांस, ठीक है ना. नेक्स्ट हमारा है, इट्स टाइम वेंट आउट एंड अर्नड योर ओन लिविंग. अपनी खर्चे के लिए जो है जाके कमाओ, अर्न होगा, ठीक है. द एलिफेंट फेल इनटू अ ट्रैप. ओके, एंड बी ऑप्शन होगा इसका, ड्रेस इज़ नॉट रियली टाइट सो इट विल स्ट्रेच. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, विद हिच बैक टू द ओल्ड मैन, ही स्टूड टू द विंडोज एंड फिट क्लेंच्ड एंड हिज शोल्डर्स विद हिज कुक्ड सोबिंग. इसका सही आंसर हो जाएगा शीवर्ड. ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द बियरवर्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड. इसका होगा ऑन द बिहाफ ऑफ हर ब्रेव सन. ओके, ये हमारा राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एरर डिटेक्शन पे. तो नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लॉर्क, इसके लिए हैज़ वर्ब आ रही है, ये बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे नो एरर होगा. यहाँ बी जो सेकंड क्वेश्चन है, द कार वर विच वो वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर वाइलिंग ऑन द हाईवे. तो यहाँ पे वाइल होगा, व्हेन नहीं होगा, ठीक है. बी ऑप्शन में एरर है. और राजू विल बी बैक होम इन आ ईयर होगा आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड. तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा. आई हैव मच वर्क टू डू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो नो एरर. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इन टू अ साइंस बेस्ड ऑफ, नॉट बेस्ड ऑफ, दिस इज बेस्ड ऑन. ओके, तो ये हमारा सी बी आंसर जो है राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है, टूडे द न्यूज़ पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वॉयलेंस. इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लडशेड. ब्लडशेड इज द राइट ऑप्शन. ओके, दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल. This is the right answer is spiritual. B option हो जाएगा. It is difficult us to imagine how much safety means to everyone. इसका हो जाएगा understand. It is difficult for us to understand how much. Okay, next is public service is not merely something that occupy the hours you are doing it but invades all your life and experiences and effects. Cover होगा. Okay, it cover all your lives. Okay, ये next है 20 question का. He was the early part of the 20th century as Stanley. A staunch nationalist of the liberal fold. Liberal fold मतलब tolerant, okay? Tolerant fold. तो ये हमारा D is the right. चलिए मैथ का सेक्शन है. इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. 21 से 55 के बीच के जितनी भी प्राइम नंबर्स थे उनका एवरेज फाइंड करना. 31 राइट आंसर हो जाएगा. ए और बी के चाल 5:6 है. तो 1.2 किलोमीटर की दौड़ से बी जो है ए को 70 मीटर आगे से शुरुआत देता है. तो दौड़ में कौन जीतेगा, हमारा 130 मीटर हो जाएगा, ठीक है. इसका हमारा आंसर जो है, एम की आयु जो है 60 वर्ष है और आर जो है वो एम से 5 वर्ष बड़ा है और बी 4 वर्ष बड़ा है. बी का सबसे छोटा भाई बी है और बी 6 वर्ष जो छोटा है. तो एम और बी के बीच की डिफरेंस पूछी थी एयर की, तो ये 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है. एक क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है. तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, ये होगा ए, ठीक है ना, एन. और एक क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ना. तो इसमें हमारा जो है वो सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना. सेकेंड इज़ दी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड पूछा गया था. तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, इनकी किसी विशेष तारीख के किसी विधि खाते में संबंधित है. तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ, ठीक है ना. तो मशीनरी के लिए, ये जो मजदूरी से कौन से खाते होते हैं, मशीनरी लेखा हमें देता है और चालू देता था कब देख होती, एक वर्ष के भीतर विद इन अ ईयर, ठीक है. ये हमारा होगा राइट आंसर. ये हमारा 29 ट्रायल बैलेंस के नाम और जमा पर्ची डेबिट और क्रेडिट का योग समान होता नहीं, कभी कभी इनके मायने भिन्न हो सकते हैं. बिल्कुल सही आंसर है ए.
एंड यहाँ हमारा है प्रथम वही कौन सी है जिसमें व्यावसायिक लेन देन के दर्ज होते हैं, तो ये हमारा जर्नल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन भारतीय में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, हमारे कृष्ण कुमार मित्र हैं, सी इज़ द राइट आंसर। रैयतवाड़ी क्षेत्रों के विषय में कौन सा होगा, तो भूमिहीन गृहक जो है श्रमिक स्वामी बन गए थे, ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, तो 1911 में जो बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग हुई थी इसके MN जोशी थे, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवाद के लिए, तो मोतीलाल नेहरू इज द राइट आंसर डी। ओके, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, लॉर्ड वेवल नहीं थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, यहाँ हमारा जो है रविचंद्रन अश्विन हो जाएगा, ठीक है ना, इन्होंने ही बल्लेबाजी में 200 रन विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अध्यक्ष में कौन सा अध्यक्ष था जिन्होंने अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे, नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। यूनेस्को ने वर्ष 2021 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया, और मातृ दिवस बनाने संबंधी विचार की पहल ये बांग्लादेश से नहीं मिली, ठीक है। और जो डॉक्टर न्योगोजी ओकोवा इवेला विश्व व्यापार संगठन है, इसकी महिला महानिदेशक नाइजीरिया से चुनी गई हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा है कालादान मल्टीमीडिया, ये हमारा म्यांमार में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 100 के बीच की जो 3 बार आती हैं, तो इनमें 3 का डिफरेंस होता है, ये हमारी 12 हो जाएगी, ठीक है ना, 12 इज द राइट आंसर। इसमें जो है 9 सिफारिश होती हैं, इनमें से शेष क्या होगा, 7 इज द राइट आंसर। √3 - √2 के व्युत्क्रम भाग समांतर माध्य में निकालना था, इसका आंसर √3 हो जाएगा, ठीक है ना। और x और y की 2 धनात्मक संख्याओं का, तो इसे आपको जो है सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है ना, तो इसका जो है आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। अभी मैंने इसका आंसर आपको यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है 45, इसका जो है दोनों आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। और ये जो हमारा बाइनरी से कन्वर्जन करना था उसमें आंसर ए हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डेटा को जो उपयोगी सभी कंप्यूटर के द्वारा मूलभूत करता है, तो ये हमारा हो जाएगा स्विचिंग, ठीक है। और कौन सी मेमोरी अधिक तीव्रगामी है जो CPU मेमोरी के बीच काम करती है, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो फेडोरा नहीं है, है ना। और 1 GB सूचना को निरूपित करता है 1024 MB, तो सबको पता है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पहला पब्लिक वो किया था, मीटिंग की थी, ठीक है ना, सब लोगों के साथ, तो ये हो गया गांधी एज महात्मा, ये शाहिद अमीन की बुक है, ठीक है ना। और भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है। तो 1931 में बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान आंदोलन के नेतृत्व सहजानंद ने किया था। और पीरपुर पार्टी रिपोर्ट जो है किसने प्रस्तुत की थी, मुस्लिम लीग ने करी थी, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए कौन सा जो है सही नहीं है, तो इसमें जो है आपका ये होगा, ये अधीन सिविल प्रक्रिया सहित के अधीन प्रक्रिया से आबद्ध है, सी इज द ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे जो है 57 में रंगलन समिति का निर्देश, ठीक है ना, तो ये अभी मैंने नहीं देखा, तो आप इसे थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में जो है वास्तविक GDP कितने % है, 11%, ठीक है। और नीति आयोग का तो आप सबको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो या ये पता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए, तो इसमें ये वाला हमारा जो है सही वर्डन नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अंदर कर्मचारियों को देय आय कितनी होनी चाहिए, 20 लाख है, ठीक है। किसी वयस्क मानाधिकारियों के लिए कितने वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में जो घंटों की संख्या 48 घंटे हैं, ठीक है। और अधिकतम अवधि जिसमें वो जो है अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेंगे, संशोधित कर सकते हैं, 5 ईयर्स। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 1.5 लाख है, ठीक है, हो जाएगा। एंड वो न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष की है जिसमें अभियंता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है, तो 18 से 40 वर्ष के लिए, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सकल लाभ का आशय क्या है, इनमें से कौन सा एक बेचे गए, तो ये इसका हो जाएगा विक्रय में बेचे गए लागत की घटाने के लिए प्राप्त लाभ, इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आधारभूत संकल्पना क्या है जो लाभों किसी प्रत्याशा का नहीं भी तो किसी लाभ हानि के लिए काम नहीं करती है, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर अभी मैंने नहीं देखा, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने और उत्पादन करने, ये इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा मनी मेजरमेंट, मुद्रा मापन, ठीक है, मनी मापन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्था लेखा जोखा तैयार करती है, तो गैर व्यापारिक संस्थाएँ। अच्छा, नेक्स्ट है आय व्यय का लेखा जोखा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये एक अवास्तविक लेखक है, ठीक है।
और द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये दलाई लामा की बुक है, ठीक है। भारत सरकार ने प्रति वर्ष किस दिन को पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में जो है ये साला वाटर मंडी की एक प्रतिकृति थी जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी, हाल ही में इटली में द्वारा ये बरामद की गई। इसका श्रेय, इस चित्रकला का श्रेय, ये लियोनार्डो दा विंची की बुक पेंटिंग थी। इंसान शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चौथी रैंकिंग है, ठीक है। नॉमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2021 का पहला एकल का खिताब जीता था, इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को हरा के जीता था, ठीक है। 20 दी राइट आंसर, और ये क्वेश्चन अभी मैं छोड़ देती हूँ, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2 मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्या के दो ठोस गोले के वजन जो W1 W2 है, इनका रेशियो में बताना था, तो आप इनका क्यूब कर देंगे तो 3 8 2 का क्यूब 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इसका रेशियो लेंगे तो आप ये 27/8 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हमारा 20 होगा, ठीक है ना, आप सॉल्व कर लीजिएगा। और ये जो 100 छात्रों का वजन है 46 ग्राम, ओके, तो इससे मैंने भी सॉल्व नहीं किया, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ओके, ये और ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये तो ये हमारा लेबर लॉ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सूची और सूचित को दोनों को मिलाना है, तो बंदी का मतलब होता है किसी नियोजन स्थान का स्थायी रूप से बंद कर देना, कर्मकार का मतलब होता है कुशल अकुशल शारीरिक रूप से काम करने वाले, और हड़ताल का मतलब होता है कर्मचारी द्वारा बंद किया जाना, ठीक है। तालाबंदी जो लॉकआउट होता है वो एम्प्लॉयर करता है, तो ये प्रबंधन या घोषित द्वारा कार्यस्थल की स्थायी बंदी होती है, यानी कि वन जो है आपका ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत अजॉल्सन टाइप जो थी वो 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 18 वर्ष से कम हो, ये हमारा होगा। अगर नया एक्ट देखे तो उसके अनुसार ये 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, 18 वर्ष हो, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय होता है, नियंत्रित उद्योग का आशय होता है यदि कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना, तो किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया, ये हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, किस ट्रेड यूनियन में पंजीकरण करने के लिए आपको 7 मेंबर्स की मिनिमम और रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ट्रेड यूनियन जो 1926 के उपबंध के अनुसार विवादों को किसमें लिखा जाता है, तो ये हमारा तीनों सही आंसर हो जाएगा, नियोजन अनियोजन श्रम परिस्थिति, तीनों में हम जो है क्या कर सकते हैं, इनके वाद विवाद को जो है सॉल्व ट्रेड यूनियन एक्ट में कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुवादक नहीं है, तो ये हमारा लिंकर हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ नॉट अ ट्रांसलेटर। एंड यहाँ पे आउटपुट डिवाइसों की किसी डिवाइस जिसमें परिचालक कौन सा सही है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस को ट्रांसफ़र कर लेता है, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आउटपुट संज्ञा प्रयोग ये हो जाएगा, सी, हाँ, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सी और डी में मुझे कन्फ्यूजन लग रही है, तो देखते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका जो है रजिस्टर का उपयोग कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, ये तो सही है, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑडियो वीडियो फाइल नहीं है ये, MIDI, ठीक है, ये इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैकाले के लिए है, मैकाले 1945 की शिक्षा संबंधी अनुशंसा नहीं की गई थी, तो इसमें आंसर जो है डी हो जाएगा, शिक्षा के उच्च स्तर पर पश्चात और पाश्चात्य दोनों को शिक्षा का संग्रहण उन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी के धुबरी और फुलाबारी के बीच में जो कौन सा पुल बना है वो मेघालय से जोड़ेगा असम को, ठीक है ना, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 97 का है, जो रामसर कन्वेंशन साइट्स के बारे में हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल भारत है, भारत रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण संबंधी है, बिल्कुल सही है। इस समय 76 रामसर साइट है, बिल्कुल गलत है, 46 रामसर साइट्स हैं, तो थर्ड हमारा गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 जो है हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रधान कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है, तो इसका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, उर्वरक अधिक बीज किस्म वाली कीटनाशकों के प्रयोग के लिए साइसिक सब्सिडी प्रदान करना, ये हमारा जो है उद्देश्य नहीं है, ये तीनों चीज़ें उसके उद्देश्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रकरण जोन जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमने स्थापित करा वो कांडला गुजरात में, ये बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। एलपीजी के ग्राहकों को सेवा प्रदान के लिए सुरक्षित प्रणाली की रूप में लाभ की गई योजना, ये तो पहल योजना थी, ठीक है ना, एलपीजी कनेक्शन के लिए पहल योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव में स्त्री जनांग नहीं होता है, तो पुंकेश्वर नहीं होता, अंडाशय नवाहिनी गर्भाशय ग्रीवा तीनों ही होते हैं, और वनस्पति जगत का उभयचर जो है वो स्पाइरोगायरा है, ठीक है ना, नहीं कहा जा सकता स्पाइरोगायरा को, रिक्सिया और फ्यूनेरिया और मार्केंशिया तीनों ही आते हैं वनस्पति जगत में, बॉटी में ये नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है, तो घटती जैव विविधता बिल्कुल है, ये बढ़ता मृदा अपरदन ये भी है, घटती वृष्टि ये भी है, बढ़ता भौम जलस्तर ये हमारा नहीं है, ठीक है ना, तो इंक्रीज ग्राउंड वाटर टेबल ये हमारा नहीं होगा, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। सामान्य पुरुष में गुरु सूत्र में से बीमेल युग्म बता रहा जा रहा है, तो बीमेल युग्म आप जानते हैं पुरुष का जो होता है वो वाई होता है और बीमेल्स का जो होता है वो एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स जो गुरु सूत्र मेल्स के लिए दिया हुआ है ये हमारा जो है बीमेल हो जाएगा, मिस मैचिंग हो जाएगा, तो हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी जिसका अर्थ होता है कि गाय, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106, किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के समय कौन से होने चाहिए, तो आप इसको देख सकते हैं ये जो है इसका लिए होगा प्रत्येक आंख किंचित प्रतिबिंब को देखती है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य का रेंज जो होता है वो इंफ्रारेड और रेडियो के बीच में होता है, तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु का आकार 10^-10 मीटर होता है, ठीक है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल संबंधी इनकी कदमों में से कौन से सही है, तो इसमें होगा कि धन बल आकर्षक और प्रतिकर्षण अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके का फोर्स यहाँ लगता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 110 क्वेश्चन यदि किसी परावर्तित तार को विद्युत घटना में रखा जाता है तो परिघटना जो होती है वो, आपको इसका आंसर अभी मैं नहीं दे सकती, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो 111 है, जल को मिलाए जाने पर कौन सा पीएच मान नहीं चेंज होता है, NaCl का चेंज नहीं होता है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। जल में मिलाए जाने पर कौन सा किरण जो है प्रकीर्णन नहीं होता है, चौक पाउडर होगा इसका, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर सल्फर दूध और चाई में तीनों में ही जो है वो रेस जो है वो स्प्रेड होती है, तो ये चौक पाउडर इसमें नहीं होगा। धात्विक जिंक जिसका अपचयन नहीं होता है, इसमें एल्यूमिनियम 3 हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, है ना, जाएगा। और CO और 2H2 मिलाने के साथ CH3OH के दो, अगर दो मूल हाइड्रोजन के हैं, दो मूल कार्बन ऑक्साइड के हैं, तो क्या बनेंगी, तो ये हमारा इसमें कितने मूल बनाए सकते हैं, इसमें एक मूल बनाया जा सकता है, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 116 का आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालयों के संबंध में कौन से सम्मेलन सही नहीं है, तो ये मध्य नागपुर का सम्मेलन सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 117, वर्ष 2021 में भारत की जनगणना में परेड के समय क्षेत्रीय सेना दस्ती यानी ट्राई सर्विस कंजीनियर ने भाग लिया था, तो बांग्लादेश की थी, इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में 8वीं सूची में भाषाओं की सूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई, तो डोगरी, मैथिली, संथाली तीनों ही हैं, भोटी नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा ये BSF के द्वारा संचालित किया गया था, तो BSF इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन होगा। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, ए इज द राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको जो 120 क्वेश्चंस के जो भी मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं वो समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्लीज़ यू कैन कमेंट मी, एंड जो भी क्वेश्चंस अगर आपको अभी लगता है कि, वैसे तो मैंने सारे ही क्वेश्चंस सही कराए हैं, बट इफ़ यू हैव दैट कि कोई आंसर कुछ और होना चाहिए आपके सॉल्यूशन से लगता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, और जो भी एक दो क्वेश्चंस मैंने मैथ के छोड़े हुए हैं आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट ऑफ मैथ आर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यू कैन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। सो थैंक यू व्यूअर्स, stay tuned, stay with me, thank you so much.